नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। रुक कर लेते हैं खबरों का। दमोह उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। दमोह के कई कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और अजय टंडन को टिकट देने की मांग की। इनका कहना है कि हमें गद्दार नहीं दमदार नेता चाहिए। दमोह से कई पार्षद भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने सही उम्मीदवार को टिकट देने की बात कही है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रिजवान खान ने। दमोह इलेक्शन को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है और आप देख सकते हैं अपने अपने नेता को टिकट दिलाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अजय टंडन को टिकट दिलाने की यहां पर मांग कर रहा है हमारे साथ कुछ जो लोग बात करने के लिए मौजूद। उनसे बात करते हैं, सर किस तरह की मांग है और किसको टिकट? हम लोग चाहते हैं टिकाऊ कैंडिडेट हो दमोह से, क्योंकि एक बेकाऊ भाग गया, राहुल सिंह जो था विधायक वह भाग गया बिकाऊ। हम लोग दमोह में टिकाऊ चाहते हैं, अजय टंडन चाहते हैं। कांग्रेस से निवेदन है कि शीघ्र कैंडिडेट डिसाइड करें ताकि हम लोग पब्लिक में जाके वोट मांग सकें और कांग्रेस को जिता सकें। अजय टंडन के अलावा अगर किस पार्टी किसी और को टिकट देती है, इसका विरोध? नहीं, विरोध तो कांग्रेस में कभी नहीं करते। कोई भी कैंडिडेट अगर मिलता है तो कांग्रेस तो काम करती है, मगर ये जो उपचुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहा, हमें भाजपा से और सरकार दोनों से लड़ना है तो हमें कैंडिडेट चाहिए सबल, जो धन बाहुबल पैसा लत्ता पूरा संगठन जिसके लिए समर्पित हो जाए। ऐसा अजय टंडन के अलावा भी कोई दमदार ऐसा सामने नहीं आ रहा। पहली बात तो ये है, क्यों? क्या 15 साल से वो अध्यक्ष हैं, संगठन की ऊपर उनकी पकड़ 15-20 वर्षों से है। उनके जो फादर थे, ग्रैंड फादर वगैरह थे, वो विधायक रहे, सांसद रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे और पूरा क्षेत्र क्या पूरा जिला उनके परिवार को जानता है। अजय भैया ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, शहर में तो है ही है, और पूरी ताकत से उनके साथ युवा वर्ग और जो भी वर्ग समाज के लोग हैं उनके साथ में है, हर समाज का आदमी। इस मामले को लेकर कमलनाथ जी से कुछ चर्चा? सर, मैं जिला NSUI का अध्यक्ष हूँ। कमलनाथ जी से बहुत ही साफ और स्वच्छ बात हुई है। दमोह को मैं जो गद्दार का तमगा राहुल सिंह जी ने लगा दिया है वो मिटाना है। दमोह दमदारों के शहर से जाना जाता है, ना कि गद्दारों के शहर से। इनने युवाओं को छला है, क्योंकि चुनाव एक पीढ़ी के लिए नहीं लड़ा जाता, 5 सालों के लिए नहीं लड़ा जाता, कई जन्म डिसाइड करते हैं एक चुनाव पे। इनने जनादेश को बेचकर युवाओं की छाती पे बुलडोजर चलाने का काम किया है राहुल सिंह जी ने। तो यहाँ जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनका साफ तौर से कहना है जो दमों को कैंडिडेट चाहिए वो दमदार चाहिए और गद्दार नहीं चाहिए। कैमरामैन रेहान के साथ रिजवान खान, अनादि टीवी भोपाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान, दमों के कई कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और अजय टंडन को टिकट देने की मांग कही, क्या कुछ पूरी जानकारी? तो हम शिवानी आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं दमोह के वो पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर से अजय टंडन को टिकट दिलाने की मांग की है। उनका साफ तौर से कहना है, जिस तरीके से राहुल जी ने जो बीजेपी में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, उन्होंने गद्दार जो शब्द दमोह के लिए बोला है वो काफी गलत है। उसके बाद जो है उनमें काफी आक्रोश है और कमलनाथ जी से भी उन्होंने मुलाकात की है, उनका भी कि उनसे भी कहा है कि आज दमोह को जो है एक दमदार नेता चाहिए, गद्दार नेता नहीं चाहिए। इसी को लेकर आज कई पार्षद और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो शक्ति प्रदर्शन भी उन्होंने कहा और कई मांग की उन्होंने, तो टिकट राहुल अजय टंडन जी को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो दमोह चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सही उम्मीदवार को टिकट देने की बात कही है।